राजस्थान में भरतपुर जिले के हथिनी गांव के भूरा नाहर को क्या पता था कि शादी का लड्डू खाकर भी उन्हें पछताना ही पड़ेगा। लंबे समय से शादी नहीं होने से ये दोनों परेशान थे और दोनों भाइयों की धूमधाम से शादी की गई। शिवानी और सीमा दोनों दुल्हन बहनों ने 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया। समाज के सामने पूरे रीति रिवाज से दोनों की शादी हुई, लेकिन ये वादा 7 दिन तक टिक नहीं पाया। 7 जन्मों का बंधन कब 7 दिनों के अंदर ही टूट गया, किसी को पता भी नहीं चला। शादी के 6 दिन ही दोनों दुल्हने बहन पूरे परिवार को नशीला पदार्थ खिलाकर रफू चक्कर हो गई और साथ में जेवरात और नकदी भी ले गए। राजस्थान पुलिस अब इन लुटेरी दुल्हनों की खोज कर रही है, इनकी तलाश कर रही है कि आखिरकार ये लुटेरी दुल्हने कहाँ चली गई। बड़े ही खुशनुमा माहौल से खुश होकर परिवार ने अपने दोनों बेटों की शादियां की थी, क्योंकि इन दोनों बेटों की शादियां काफ़ी समय से नहीं हो रही थी, इसलिए परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल था कि इन दोनों की शादी हो रही है। बड़े ही धूमधाम से सारे रीति रिवाजों के साथ ये दोनों लड़के शादी के बंधन में बंधे थे, या ये कहें कि इन्होंने 7 जन्म साथ रहने के वचन लिए थे, लेकिन इनसे शादी करने वाली लड़कियां महज 7 दिन के अंदर ही इन्हें चूना लगाकर रफू चक्कर हो गई। पुलिस द्वारा इनकी तलाश की जा रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।